और बल्कि अब जकात किस पर है, जकात जो है ये इनकम पर नहीं है। ये नहीं कि आदमी ने 1,00,000 रुपया महीना कमाया, 50,000 रुपया महीना आया तो उसमें से वो दे दे, हर महीने 50,000 सैलरी आती है तो उसके अंदर से 1,00,000 रुपया सैलरी है उसकी, या 1,00,000 रुपये उसके पास में उसका सोर्स है कमाने का दुकान से, तो वो क्या करे, बस हर महीने 2,500% उसमें से देना है, तो हर महीने जितना आया 2.5% जिसी पैसा आए 2.5% निकाल, तो इस पर नहीं है जकात। जकात आपके इनकम पे नहीं है, इनकम पे तो क्या होता है कि बचत पर है। किस पर? बचत पर, खमरी कैलेंडर के हिसाब से जो आपने माल लिया, माल भर लिया, आपने लगा दिया, मशीनरीज खरीद ली, उसमें आपने खा लिया पी लिया, गाड़ियाँ खरीद ली, सब कुछ आपने दे दिया, बिल आपने सारे पे कर दिए, बच्चों की फीसें भर दी, अब जो कुछ बचता है जो सेविंग किया आपने कि यार ये मेरे आगे काम आएगा, वो आपने सेविंग किया, या बुरा वक्त आया, कभी बीमारी आई, कभी शादी होंगी लड़कियों की बहन की, तो उसके लिए आपने बचा के उसको रखा, वो बचत पर 1 साल हो जाता है, उसके बाद 2.5% आपको देना है, 1 साल होने पर वो भी आपको देना है। तो ये इनकम टैक्स जैसा नहीं है, जैसे इनकम टैक्स देखते हैं ना हमारे यहाँ इनकम टैक्स होता है, तो इनकम टैक्स जालिमाना निज़ाम है, एक जालिमाना टैक्स है और वो इंसाफ नहीं करता। यहाँ पर अल्लाह इंसाफ करता है, किस पर? बचत पर मांगता है आपसे कि बचत पर आपको देना है। अब आप देखिए इनकम टैक्स में क्या निज़ाम होता है कि दो लोग साथ में काम करते हैं, एक पोजीशन पर, एक किसी जो है सेक्टर में काम करते हैं, अब दोनों एक ही पोजीशन पर है, दोनों को एक ही सैलरी मिलती है, 10,000 रुपये दोनों की सैलरी। अब ये जो 10,000 सैलरी जो पाता है, और एक ये बंदा भी 10,000 पाता, लेकिन इस बंदे के अभी शादी हुई, इसको 10,000 मिलते हैं, अभी इसके बच्चा ही नहीं। दूसरा बंदा है 10,000 रुपये उसके सैलरी है, और उसको क्या है कि उसके 7-8 बच्चे हैं, उसकी बहन भी रहती है, उसकी फूफी भी उसके घर में ही रहती है, उसके जो है दादा दादी भी हैं, अब सब उसका, उसके बाद कितने आप 10,000 रुपये, अब 10,000 के अंदर, लेकिन अब यहाँ का इनकम टैक्स क्या होता है, वो आपको इनकम कितनी हुई, आपके घर में कितना खर्चा होता है उससे हमको मतलब नहीं है, उनको इनकम से मतलब है, आपको 10 दिया, आपको 10 दिया, आप दोनों इतना परसेंट हमको दे दें। अब वो जिसके पास में कोई, उसके पास औलाद नहीं है तो उसके लिए तो ठीक है, वो क्या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको, उसके लिए भी अगर इतना ही जाएगा तो वो भाई मेरे घर पे तो इतना सारे खाने वाले हैं, तो इस्लाम ने नहीं कहा, इस्लाम कहा कि नहीं बचा, जो आपके पास बचा, नहीं बचा सब खर्च हो जाता है, आपको जकात देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको लगता है कि यार मेरा तो पूरा ही नहीं होता, तो आप जकात ले सकते हैं, बल्कि वो लेने का मुस्तैक है कि पूरा नहीं पड़ता तो तुम लो, लेकिन यहाँ तो ये जो है जालिमाना टैक्स है, तो इनकम पे नहीं, ये बचत कर पर होता है, और बचत पर भी निसाब पर होता है कि 1 साल पूरा होने पर। तो दुनिया में सबसे कमतर अगर कोई टैक्स होगा, सबसे कमतर दुनिया के अंदर, तो वो जकात है, इतना कम है, इतना कम है, लेकिन इसको देने का मामला दूसरे टैक्स ज़्यादा ज़्यादा है, 30% टैक्स, 20% टैक्स, 18%, किसी पे 12%, वो पूरे पूरे दे रहे हैं लोग, लेकिन ये सबसे कम है और इसको सबसे कम देते हैं लोग, सबसे कम इसको अदा करते हैं। और जकात का मामला तो नमाज से भी बहुत कमतर है, नमाज फिर भी इंसान पढ़ लेता है, मुसलमान पढ़ लेता है, लेकिन वो जकात अदा नहीं करता। और जो है इसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमाता है कि इनके माल से जकात लो ताकि इनके गुनाह माफ़ हो। अल्लाह के रसूल सल्लम को अल्लाह ने कहा कि नबी इनके इनके माल में से जकात लो ताकि इनके गुनाह माफ़ हो, और इनके लिए तुम रहमत की दुआ करो ताकि इनको सुकून मिले। क्या अल्लाह के रसूल सल्लम से अल्लाह ने कहा कि ये नबी इनसे मुसलमानों से माल के अंदर से जकात लो ताकि क्या हो कि इनके गुनाह माफ़ हो जाए। तो जकात देने से एक तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं, दूसरा कि अल्लाह के रसूल सल्लम की दुआ का मुस्तैक बन जाता है कि कहा कि इनके लिए रहमत की दुआ करो ताकि इनके दिल को सुकून आ जाए। अब वो दुआ किसकी है जो जकात अदा करता है, उसको सुकून मिलता है, क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम की दुआ वो रद्द होना ही नहीं, तो वो जकात अदा करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का मुस्तैक होता है, जो दुआ कर दी गई, ये नहीं कि वो करेंगे बाद में, अभी दिया फिर करेंगे, वो भी नहीं मामला, ये रोज़े क़यामत उसका वो दुआ करके गए तो वो उसकी जो है बरकत और रहमत उसकी उसको मिलती रहती है।